यह आर्यभट्ट आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय है, और यहीं पर मतगणना होगी। इस बार पटना जिला में मुख्य प्रतिद्वंदी एक दूसरे के जो हैं वो आरजेडी के कार्तिकेय कुमार और एनडीए के वाल्मीकि प्रसाद सिंह हैं। बिहार में 4 अप्रैल को एमएलसी का चुनाव हुआ था और आज उसकी मतगणना होने वाली है। यह आर्यभट्ट आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय है, और यहीं पर मतगणना होगी। इस बार पटना जिला में मुख्य प्रतिद्वंदी एक दूसरे के जो हैं वो आरजेडी के कार्तिकेय कुमार और एनडीए के वाल्मीकि प्रसाद सिंह हैं। ये सीट एमएलसी का खाली हुआ था और उसके बाद चुनाव 4 अप्रैल को हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह व्यवस्था की गई है पूरी सुरक्षा को लेकर। इस बार चुनाव में जो है वो 24 सीट पूरे बिहार में एमएलसी का चुनाव के लिए वोट हुआ था और 2400 सीटों में कुल 187 उम्मीदवार खड़े हैं और मतदान करने वालों की संख्या 1,34,000 है। बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। पटना में 23 प्रखंड में मुख्यालयों में चुनाव हुआ था और आज यहाँ मतगणना। आपको बताते चले कि इस मतगणना की अलग सिस्टम होती है, बिहार विधानसभा और बिहार लोकसभा से अलग होती है। इसमें एक एक उम्मीदवार को 3-3 ऑप्शन दिए जाते हैं और उस ऑप्शन के तहत उनको अपना चुनाव करना होता है कि किसको वो पहले पसंद करते हैं, दूसरे नंबर पर किसको पसंद करते हैं और तीसरे नंबर पर किसको पसंद करते हैं। अगर गिनती के वक्त अगर 51% अगर किसी भी उम्मीदवार को आ गया तो वो 51% जो है उसको घोषित कर दिया जाएगा कि वो चुने गए हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है और देखिए कि लगभग 2 बजे के आसपास रिजल्ट के रुझान आना शुरू होंगे। मैं राजेश कुमार झा, बिहार तक, पटना।